सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। श्री हरि वृद्ध आश्रम के 62 बुजुर्गों ने उत्साह पूर्वक किया मतदान। विदिशा लोकतंत्र के महापर्व मतदान को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित श्री हरि वृद्ध आश्रम के बुजुर्ग जन ने बखूबी निभाया और बड़े ही उत्साह पूर्वक वे अपना मत देने मतदान केंद्रों तक गए। मतदान देने वाले बुजुर्गों में 85 वर्ष की नगीना बाई और 81 वर्षीय रामदास यादव, 82 वर्षीय पूना बाई शामिल है। आश्रम संचालक श्रीमती इंदिरा शर्मा एवं श्री वेद प्रकाश शर्मा सहित आश्रम स्टाफ सदस्य उन्हें मतदान केंद्रों तक ले गए और उनके साथ सभी बुजुर्ग एक परिवार की तरह बेखौफ और बेफिक्र होकर अपनी पसंद की सरकार चुनने के इस सबसे बड़े अधिकार मतदान का प्रयोग करने के लिए गए। आश्रम निवासी 72 वर्षीय मुन्नी बाई रघुवंशी का कहना है कि हमें आश्रम में घर जैसा ही सुख मिला है और यहाँ से हम अपने घर की तरह ही आजादी से अपना वोट डालने गए। आश्रम निवासी 80 वर्षीय रामदास यादव विगत 9 वर्षों से आश्रम में ही रहकर अपना वोट डालने जाते हैं और उन्हें यहाँ से वोट डालने जाने में अपने घर जैसा ही अनुभव लगता है और घर जैसी आजादी के साथ ही वह अपने विवेक से मत देने का अधिकार का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि हम भारत के नागरिक हैं और सभी को वोट डालने के कर्तव्य का बोध होना चाहिए। वहीं 80 वर्षीय हरलाल रघुवंशी, 77 वर्षीय आशा वडोनिकर, 74 वर्षीय राम प्यारी दांगी सहित आश्रम के 62 बुजुर्ग सहित सभी ने पुराने जिला अस्पताल स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी बुजुर्ग जन ने कहा कि हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। उन्होंने सभी को वोट डालने की अपील भी की। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। बोले आज हमें इतनी खुशी है कि हम वोट डालने गए। आज हम घर से भी अच्छे हैंगे। आश्रम में हमें जे नहीं लग रहा है, हम आश्रम में रह रहे हैं, हमारे घर कहाँ ही रह रहा है, सब परिवार अच्छा आएगा। और हमें तो ये बात की खुशी है कि आज हम घर वोट डालने गए। को बहुत प्रसन्नता है कि हमने अपने मत का अधिकार प्रयोग किया और लोकसभा का वोट दिया। हम वृद्धाश्रम में रहते हैं लेकिन हमें ऐसा मालूम होता है कि हम घर में ही रहते हैं। अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर तरी घर जैसे रहते, बहुत अच्छे आनंद है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वोट डालने गए और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। ऐसा नहीं लगता कि हम आश्रम में रह रहे हैं।